एक सिलेंड्रिकल बॉल है जिसका डायमीटर 7 दे दिया है और जिसमें 4 सेंटीमीटर तक सूप भरा जाता है और पेशेंट को दिया जाता है। तो हॉस्पिटल में टोटल 250 पेशेंट है, तो उनको देने के लिए कितना सूप लगेगा हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर मीटर लीटर में निकालना है तो ओके। तो सबसे पहली बात रेडियस, रेडियस ऑफ बॉल उसमें तो क्या दिया है हमें, डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या है कि जो उसमें सूप जो भरा जा रहा है स्टूडेंट, वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा जा रहा है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो हमें पूरे इस बॉल का वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालने की जरूरत है जिसकी हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है ना, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7, आर स्क्वायर 7/2, 7/2 इंटू एच कितना हो गया 4। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको लीटर में बदलना चाहो तो लीटर में बदल दो, अदरवाइज 250 का डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो। अगर आप इसको लीटर में बदलते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 154। अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा इतने से में कितना पानी आ सकता है, लीटर का 1000वां हिस्सा, तो 1000 से क्या करते हुए डिवाइड करते हुए इतने लीटर एक पेशेंट को चाहिए। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं हमारे पास, 250 पेशेंट। क्या करोगे, 154 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 250। ओके, उसमें क्या चाहिए हमें, सूप चाहिए। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में देना हो तो आप सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हो। थैंक यू।